नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके, और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों, आज तारीख है 16 दिसंबर 2019, और कल के लिए यानी 17 दिसंबर 2019 मंगलवार के लिए अपने थ्री स्टार सेक्शन में 3 स्टॉक को सिलेक्ट कर लिया है। उसके सारे लेवल्स यहां पे मैं बताऊंगा। उसके पहले दोस्तों डिस्क्लेमर अच्छे से पढ़ लें। यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मेरे द्वारा दिया हुआ स्टॉक्स मूव करे ही। यहां पर मैं इन स्टॉक्स में सिर्फ अपने रिसर्च और एनालिसिस को आपके एजुकेशन पर्पज के लिए पोस्ट करता हूं। तो इसमें अपडेट लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक है हमारे पास इंडिगो का। देखिए, इंडिगो का ये बहुत जुलाई मंथ से आप देख रहे हैं, ये जुलाई मंथ के सपोर्ट प्राइस के पास आके इंडिगो ने अपने आप क्लोज किया। जुलाई पर इसने 3 से 4 बार अपने आप को सपोर्ट लिया था, उसी सपोर्ट के पास आके इसने लगभग अपने आप को होल्ड किया हुआ इंडिगो ने। तो जुलाई से लेकर दिसंबर लगभग 6 महीना हो गया, 6 महीने का ये रेंज पर इंडिगो खड़ा है। इंडिगो अगर ऊपर की तरफ 1305 को दोस्तों ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 1305। पहला टारगेट है 1311 1311 का, दूसरा टारगेट 1317 1317 का, और तीसरा टारगेट 1323 1323 का होगा। स्टॉप लॉस 1299 लगाएंगे यानी 1299 का। अगर इंडिगो नीचे की तरफ 1290 ब्रेक करता है दोस्तों तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1290 यानी 1290 के नीचे सेल करना है। पहला टारगेट है 1284 1284 का, दूसरा टारगेट 1278 1278 का, और तीसरा टारगेट 1272 1272 का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1296 1296 का। दोस्तों, शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी ट्रेड को अवॉइड कीजिए, जैसा कि रूल है यानी 9:15 से 9:20 तक की जो कैंडल थी उसमें ट्रेड नहीं लेना है। उसके बाद अगर स्टॉक हमारे बाइंग या सेलिंग लेवल को एजुट करे तो ही ट्रेड करे, वरना ट्रेड को अवॉइड कर दें। दूसरा स्टॉक है दोस्तों इस कंडीशन में मुथूट फाइनेंस का। मैंने आज भी मुथूट फाइनेंस को दिया था, तो मुथूट फाइनेंस ऊपर के साइड में जाने के बाद बिल्कुल एक रेंज में फंस गया, जाके अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहा। आप देख रहे हैं कंटिन्यू यहीं पर होल्ड कर रहा है। तो अगर एक बार इसको ब्रेक करता है तो अपसाइड में तेजी से जाएगा, अदरवाइज यहां से ये सस्टेन करके नीचे भी आ सकता है। मुथूट फाइनेंस अगर ऊपर की तरफ 723 को दोस्तों ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, बाय अबव 723। पहला टारगेट है 729 729 रुपए का, दूसरा टारगेट 735 735 रुपए का, और तीसरा टारगेट 741 741 रुपए का। स्टॉप लॉस 717 यानी 717 का होगा। अगर मुथूट फाइनेंस नीचे की तरफ 715 ब्रेक करता तो सेल करेंगे, सेल बिलो 715। पहला टारगेट है 709 709 रुपए का, दूसरा टारगेट 703 703 रुपए का, और तीसरा टारगेट 697 697 रुपए का होगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 721 यानी 721 रुपए का। दोस्तों, अगर फर्स्ट टारगेट के पास भी स्टॉक आता है तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉप लॉस टेल कर सकते हैं। तीसरा और अंतिम स्टॉक है दोस्तों कोटक बैंक। देखिए, कोटक बैंक को मैं कल बाय साइड के लिए नहीं, ज्यादातर मैं सेल साइड के लिए देख पा रहा हूँ, सिर्फ एक कैंडल की वजह से, क्योंकि ऊपर जाके इसने बहुत ही हेवी सेलिंग प्रेशर दिखाया है अपने आप को। बिल्कुल देख रहे हैं ऊपर की जैसे एकदम से शेडो, बहुत लंबा शेडो बना है, बॉडी लगभग ना के बराबर है। तो कोटक बैंक अगर ऊपर की तरफ दोस्तों ब्रेक करेगा 1730 को तो बाय करेंगे, बाय अबव 1730। पहला टारगेट है 1738 का यानी 1738 का, दूसरा टारगेट होगा 1746 1746 का, और तीसरा टारगेट 1754 का होगा यानी 1754 का। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1722 1722 का। अगर कोटक बैंक नीचे की तरफ 1695 ब्रेक करता है दोस्तों तो सेल करेंगे, सेल बिलो 1695। पहला टारगेट है इस कंडीशन में 1687 1687 का, दूसरा टारगेट होगा 1679 1679 का, और तीसरा टारगेट 1671 1671 रुपए का। स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों इस कंडीशन में 1703 यानी 1703 रुपए का। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, और अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करें। और अभी तक आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं वहां लाइव मार्केट में भी कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों, तो जरूर ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर मेरी एनालिसिस वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।